ईश्वर की उपासना से क्या लाभ होता है? सत्या प्रकाश के सातवें समुल्लास में भी हमने पढ़ा, ईश्वर की उपासना करने से पहाड़ के समान दुख आने पर भी व्यक्ति घबराता नहीं है, उसको सहन कर लेता है। ईश्वर की उपासना करने का मतलब है अष्टांग योग का अनुष्ठान करना, यम नियम आदि जो योग के आठ अंग हैं उनका पालन करना। तो ईश्वर की उपासना से शूरवीरता को प्राप्त होता है मनुष्य, मनुष्य के अंदर दृढ़ उत्साह होता है, वो उद्योगी बनता है, और ये विशेषताएं जब उसके अंदर आती है तो फिर वो शत्रुओं को मारता है। जो अंदर के शत्रु हैं और जो बाहर के शत्रु हैं उनका वो विनाश करता है। और ईश्वर की उपासना करने से आनंद की प्राप्ति होती है। योग दर्शन के अंदर योग का फल बताया है, तदा दृष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम्। और योग से भिन्न अवस्था में क्या होता है? वृत्ति सारूप्यम तदत्र। जब व्यक्ति योगी नहीं होता, यम नियम आदि योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं करता, तो वृत्ति सारूप्यम होता है। अनुकूलता होगी तो प्रसन्न होगा, प्रतिकूलता होगी तो दुखी हो जाएगा, लाभ होगा तो प्रसन्न होगा, हानि होगी तो दुखी हो जाएगा, ये वृत्ति सारूप्यम है। परंतु जब वो योग में स्थित होगा, उसका चित्त सात्विक होगा, एकाग्र होगा, यम नियम आदि आठ अंगों के अनुष्ठान करने से, तो फिर उसके अंदर जितेंद्रियता आएगी। महर्षि दयानंद जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखते हुए करते हैं कि वो उत्साह और आनंद से युक्त रहता है, व्यवहार के अंदर सुखी दुखी नहीं होता। तो यहाँ पर भी मंत्र संख्या 80 के भावार्थ में भी ईश्वर की उपासना से आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ईश्वर का निश्चय करना चाहिए, ये मंत्र का तात्पर्य है। ईश्वर ने मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को कहा है कि हे मनुष्य, तुम मेरा निश्चय करो, मेरे गुण कर्म स्वभावों का निश्चय करो। ईश्वर अवतार नहीं लेता, इसका निश्चय करना। निश्चय कैसे किया जाता है? प्रमाणों के माध्यम से, शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो शब्द प्रमाण क्या है? ईश्वर अवतार नहीं लेता, योग दर्शन के अंदर भी आता है, सतु सदैव मुक्त सदैव ईश्वर, वो तो हमेशा मुक्त रहता है, तीन शरीरों के बंधनों में ना कभी आया ना कभी आएगा, जीवात्माएं आती है। और यजुर्वेद में भी आता है 40वें अध्याय में, सपरेगा शुक्रम अकायम, वो शरीरों के संबंध से रहित है। और यदि ये माना जाए कि ईश्वर अवतार लेता है, शरीर धारण करता है, तो शास्त्रों के अंदर बताया है कि जो शरीर को प्राप्त होता है वो सुख दुख से रहित नहीं हो सकता, प्रिय अप्रिय से रहित नहीं हो सकता, उसको सुख दुख की प्राप्ति होती है। परंतु ईश्वर कभी दुखी नहीं होता, उसको दुख का लेश मात्र भी नहीं होता, तो इससे भी विरोध आता है। इसी प्रकार से ईश्वर की सर्वज्ञता के विषय में भी निश्चय करना चाहिए। हम जो कर्म करेंगे 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, या कल करेंगे, परसों करेंगे, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि ईश्वर हमारे कर्मों को जानता है, भविष्य में जो हम कर्म करेंगे उसको ईश्वर जानता है।
हम भी कुछ कर्मों को जानते हैं, लेकिन सभी कर्मों को हम नहीं जानते कि 2 दिन के बाद सवेरे 3:45 पर क्या करेंगे, ये हमको नहीं पता। कुछ कुछ कर्मों को हम जानते हैं, जिनको हम जानते हैं उनको हमने निश्चय किया है, हमने योजना बनाई है। जिनको हम नहीं जानते उनकी योजना हमने बनाई नहीं बनाई, उनको हमने निश्चय नहीं किया, तो फिर भी हम करते हैं यदि, तो इसका मतलब ये है किसी और ने निश्चय किया है। तो ईश्वर ने यदि निश्चय किया है तो फिर हम उसके कारण उसकी प्रेरणा से उस कर्म को कर रहे हैं, तो फिर हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे, परतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्रता के साथ विरोध आएगा। तो इस प्रकार से निश्चय करना चाहिए कि ईश्वर हमारे भविष्य में होने वाले सभी कर्मों को नहीं जानता, और निश्चय करके फिर हम ईश्वर के ठीक स्वरूप को धारण करें, गलत स्वरूप को धारण न करें। ईश्वर के सर्वरक्षक न्यायकारिता के विषय में यदि हमारा गलत ज्ञान है, गलत निश्चय कर लिया, तो फिर गलत स्वरूप को धारण करेंगे, और गलत स्वरूप को धारण करने से फिर उन्नति प्रगति नहीं होगी।